साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ट्रेड उतरा। अगर अभी तक आपने अपना YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अपने चैनल सब्सक्राइब के लिए बेल आइकन को बजाना बिल्कुल ना भूले। चलिए दोस्तों, इसकी शुरुआत करते हैं। तो आज 13 जुलाई है, टाइम हो रहा है सुबह के 10:30 हो रहे हैं और लाइव मार्केट ओपन है। तो अभी जो मेरे शेयर रिडार पर आया, वो पिछले 3 दिन से मैं उसे वॉच लिस्ट में डाल रखा था, तो कल उसने ब्रेकआउट दे दिया। तो अब देखते हैं कि इसमें अभी भी अब ट्रेंड बाकी है कि अभी भी इसमें बाय करके होल्ड करके बेनिफिट कर सकते हैं, अपने पैसे को मल्टीप्लिकेशन में लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज का जो शेयर मैंने चूज़ किया वो है बॉम्बे डाइंग। तो बॉम्बे डाइंग का बिजनेस क्या है वो अब मैं सब कुछ बताता हूँ। पहले देख लेते हैं भाई आज ये ओपन कितने पे होता है। देखिए लाइव मार्केट है, 1% की तेज़ी से ज़्यादा अभी ट्रेड कर रहा है इस टाइम पे। तो ये ओपन होता है 97.70 और हाई मारता 98.90 और लो मारता 95.50। इसका 52 हाई है 99.80, 52 लो है 58.30। ठीक है, तो ये बॉम्बे डाइंग का क्या है, ये देखिए कंपनी कब से है, ये 23 अगस्त 1879, यानी काफ़ी ओल्डेस्ट कंपनी है, ट्रस्टवर्दी कंपनी है। कंपनियाँ देखते हैं कंपनियाँ बिजनेस क्या है, कंपनी किस बिजनेस के अंदर डील करती है। तो ये मैंने कंपनी की वेबसाइट ओपन कर ली है। आपने देखा हो बॉम्बे डाइंग की बैट से सबसे ज़्यादा बिकती है, तो रिटेल के अंदर है, कंस्ट्रक्शन रियल्टी कंस्ट्रक्शन के अंदर, पॉलिस्टर के अंदर है, यानी धागे वागे फैब्रिक बनाना, ये सब इनका काम है। देखिए तीन सेक्टर में कंपनी का कार्य कर रही है, तो डेफिनेटली कंपनी अच्छी है। कंपनी काफ़ी पुरानी भी 1879 से रनिंग में है, तो कंपनी में उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं। आप देखो कोविड के चलते हर कंपनी को लॉस हुआ है। तो अब मैं इसका बिजनेस का दिखा देता हूँ आपको। तो ये देखिए कंपनी 2019 में प्रॉफिट में थी, 2020 में भी प्रॉफिट में, 2021 में थोड़ा सा लॉस आया कंपनी का, 469 करोड़ का लॉस आया था, बट कोई ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं है, कंपनी रिकवर कर ले, क्योंकि जैसे जैसे मुंबई के अंदर अनलॉक हो रहा है, क्योंकि बॉम्बे को आप देख सकते हैं कितने टाइम से सारे पूरे यानी सारे राज्य खुल गए थे, मैं बॉम्बे को लेट यानी बॉम्बे की आबादी भी ज़्यादा, तो बॉम्बे डाइंग को लेट ओपन हो रही थी। तो बेसिकली अब अनलॉक हो रहा है बॉम्बे, जैसे जैसे अनलॉक होगा इनको कंस्ट्रक्शन काम मिलेगा। और आप देख सकते हैं कि जितनी भी शेयर उसके अंदर है टेक्सटाइल के अंदर, सब के अंदर तेजी है। तो ये शेयर कैसे पीछे हट जाए, तो ये शेयर भी भागने को तैयार बैठा हुआ है। ठीक है, ओवरव्यू तो दिखा दिया मैंने आपको, अब इसके चार्ट पे ले चलता हूँ मैं, इसका डेली चार्ट ओपन कर रहा हूँ। तो ये डेली चार्ट पे देखिए, यहाँ देखिए आप, ये देखिए डेली चार्ट पे कितना अच्छा ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है, ये करेक्टिव हो रहा है, ब्रेकआउट आ चुका है, कल की डेट में ब्रेकआउट हो, कल देखिए कितनी हैवी वॉल्यूम के साथ ट्रेड हुआ है, ये कितनी हैवी वॉल्यूम के साथ कैंडल बनी थी, ये सीधा कल देखिए ये 88 से सीधा कल ही इसने 97 का हाई मारा था। तो ये देखिए कि ये देखिए MACD पे भी ब्रेकआउट दे रहा है, RSI पे भी ब्रेकआउट दे रहा है। तो बेसिकली कंपनी अच्छी है, कंपनी का ग्रो है, कंपनी के अंदर और भी अप ट्रेंड अप मूव बाकी है। तो मेरा जो पहला टारगेट इसमें रहेगा वो रहेगा 105 का, दूसरा टारगेट रहेगा मेरा 110 का, तीसरा टारगेट मेरा 115 का। इन तीन टारगेट के लिए बाय करिए, होल्ड करिए, ये 10 से 15 दिन के अंदर भी आ सकते हैं, 1 महीने के अंदर भी आ सकते हैं। कंपनी अप ट्रेंड की तरफ बैठी है, भागना तैयार बैठा, चार्ट पे अच्छा ब्रेकआउट आ चुका है, कभी भी इसमें कभी भी अप डाउन अप होने का तैयार बैठा हुआ कंपनी। ठीक है, चार्ट पे अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है, तो बेसिकली इसमें बाय करके होल्ड के पेशेंस बने रहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर फॉरवर्ड करना बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।